नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीपीसीटी परीक्षा के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा क्या होती है इस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, एक बार आप वो वीडियो जरूर जाके देखें, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा के पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, सीपीसीटी परीक्षा की दिनांक कब तक आ सकती है, इसके लिए सिंपली आपको वेबसाइट लॉगिन करनी है cpct.mp.gov.in। दोस्तों, ये सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, आपको सीपीसीटी की वेबसाइट पर जाके अपडेट चेक करते रहना है। जैसे ही सीपीसीटी परीक्षा की दिनांक आएगी, यहाँ पर अपडेट आ जाएगा पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि, पंजीकरण समाप्त करने की तिथि और परीक्षा की तिथि। दोस्तों, आपको ये वेबसाइट समय समय पर चेक करनी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा सीपीसीटी परीक्षा के पुराने वर्ष का पेपर है 27 मार्च 2016 का, शिफ्ट 2 का। दोस्तों, सीपीसीटी में 75 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमको 38 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी हम पास आउट माने जाते हैं। दोस्तों, सीपीसीटी में 52 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आते हैं, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैश मेमोरी वॉज इंट्रोड्यूस इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। कैश मेमोरी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोरट्रॉन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रेन का पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोस्तों, फोरट्रेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो रिफर्ड टू एज पीसी। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, The computer parts attached to the CPU are referred to as output device. Computer CPU के साथ संलग्न भागों को output device के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, find the odd one out. तो दोस्तों, beans. निम्न में विषम की पहचान करें, तो दोस्तों beans. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, mouse and scanner are also example of input device. दोस्तों, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस होते हैं। माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज TFT स्टैंड फॉर? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइन डेजी व्हील लेजर एंड ड्रम आर टाइप ऑफ प्रिंटर्स। लाइन डेजी व्हील लेजर तथा ड्रम प्रिंटर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन वी आर यूजिंग DPI इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए लेजर प्रिंटर, वी आर प्रिफर टू द प्रिंटर्स रिजोल्यूशन। जब हम एक लेजर प्रिंटर के संदर्भ में DPI का उपयोग कर रहे हैं, हम किस प्रकार के प्रिंटर की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, रिजोल्यूशन की। दोस्तों, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, ये रिजोल्यूशन नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, If you are using a plotter, you are using an output device. यदि आप एक plotter का उपयोग कर रहे हैं, तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं? तो दोस्तों, output device का। दोस्तों, plotter एक output device होता है, जो flex print करने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, If you are referring to serial parallel, AGP, infrared, you are making a reference about ports. यदि आप क्रमवार समानांतर AGP इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं, तो आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, What in the operating system is responsible for processor management? दोस्तों, traffic controller. Operating system में processor के प्रबंधन के लिए क्या जिम्मेदार है? तो दोस्तों, traffic controller है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
What is responsible for selecting one job for processor from the many jobs submitted to the system, the job scheduler? प्रस्तुत की गई कई जॉब्स में से प्रोसेसर के लिए कोई एक जॉब के चयन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो दोस्तों जॉब शेड्यूलर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली? दोस्तों वायरस मैनेजमेंट। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? तो दोस्तों वायरस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। वायरस मैनेजमेंट के लिए हमको कंप्यूटर के अंदर एडिशनल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कुल्ड बी फाउंड ऑन ए PDA। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पाया जा सकता है? तो दोस्तों PDA पर। दोस्तों PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिक्स MS-DOS लाइनेक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स MS-DOS लाइनेक्स किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द ओड वन आउट। तो दोस्तों iOS। निम्न में विषम की पहचान करें। तो दोस्तों iOS। दोस्तों लाइनेक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन iOS दोस्तों एप्पल के जो मोबाइल होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज क्या है? तो दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विंडोज ME स्टैंड फॉर मिलेनियम एडिशन। विंडोज ME में ME का अर्थ है तो मिलेनियम एडिशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस ए की इन MS वर्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन द फाइल। यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल ए का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन। दोस्तों MS वर्ड में जितना भी मेटर लिखा हुआ है सभी का सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की का प्रयोग कीबोर्ड से करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस इंटर कीज, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए लाइन ब्रेक। यदि आप कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों लाइन ब्रेक बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस प्रोग्राम और स्टार्ट प्रोग्राम, यू विल एक्सेस स्टार्ट मेन्यू। यदि आप प्रोग्राम का उपयोग या प्रोग्राम को प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों स्टार्ट मेन्यू का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, एज्यूम यू हैव MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यू विल एक्सेस माई कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच आर इंटरलिंक्ड इंटरलेटेड ऑन ए कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज डाटाबेस। एक कंप्यूटर पर इंटरलिंक इंटर रिलेटेड फाइलों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों डाटाबेस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस यू वर टू डिस्प्ले द फाइल सेव्ड इन फोल्डर, यू विल डबल लेफ्ट क्लिक ऑन द फोल्डर। यदि आप फोल्डर में सेव की फाइलों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप फोल्डर पर बायां डबल क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस एस्केप, यू विल बी एक्सेसिंग द स्टार्ट मेन्यू। यदि आप कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस्केप की दबाते हैं तो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए स्प्लिट विंडो मोड, इफ वन ऑफ द टू टाइटल बार इज डार्कर देन द अदर, इट इंडिकेट्स डार्कर टाइटल इज एक्टिव। एक विभाजन विंडो मोड स्प्लिट विंडो मोड में यदि दो में से एक टाइटल बार दूसरे से गहरे रंग का है तो क्या ज्ञात होता है? गहरा टाइटल सक्रिय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, डायरेक्टिव के नॉट बी रीनेम्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डायरेक्टिव के नाम नहीं बदले जा सकते हैं। दोस्तों डायरेक्टिव के नाम रीनेम किए जा सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग ए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज द की विंडोज प्लस डी, यू आर ट्राइंग टू व्यू द डेस्कटॉप। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं
तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों डेस्कटॉप को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिड्यूस द ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज विदाउट लूजिंग द साउंड क्वालिटी बाय अ लार्ज अमाउंट। दोस्तों MP3, निम्न में से कौन सा प्रारूप फॉर्मेट एक ऑडियो फाइल की अधिक ध्वनि की गुणवत्ता को खोए बिना इसके आकार को मूल आकार के 10वें भाग में बदल देता है? तो दोस्तों MP3। दोस्तों जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो उस ऑडियो फाइल का फॉर्मेट भी MP3 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ इन MS वर्ड यू हैव टू चेक द स्पेलिंग एंड यूज ऑफ ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट यू विल यूज F7। MS वर्ड में आपको एक दस्तावेज में स्पेलिंग चेक और व्याकरण का उपयोग करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों F7 का। दोस्तों F7 की MS वर्ड में दबाने से स्पेलिंग ग्रामर चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, वहां से आप डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। दोस्तों MS वर्ड में वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है, और अगर ग्रीन लाइन आती है तो उसका मतलब होता है कि उसमें ग्रामर मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड इज an एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यू हैव यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी की इन MS वर्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तो दोस्तों चेंज द फॉन्ट साइज। यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों फॉन्ट साइज बदलने की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ इन MS Excel यू वुड लाइक टू एड ए रो यू विल यूज द इंसर्ट मेन्यू। MS Excel में आप एक पंक्ति जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इंसर्ट मेन्यू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग द रेंड फंक्शन इन MS Excel यू आर ट्राइंग टू जनरेट ए रेंडम नंबर। यदि आप MS Excel में रेंड का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों रेंडम नंबर उत्पन्न करने की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द ऑड वन आउट दोस्तों रो। निम्न में से विषम की पहचान करें दोस्तों रो। इसमें बबल, बार और पाई चार्ट के एग्जांपल है दोस्तों, लेकिन रो इनमें से अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए स्लाइड यू आर वर्किंग ऑन MS PowerPoint। यदि आप एक स्लाइड बना रहे हैं तो आप MS PowerPoint में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ यू आर द वर्किंग ऑन MS PowerPoint एंड यूज द की F5 यू आर स्टार्टिंग ए प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। यदि आप MS PowerPoint में काम कर रहे हैं और F5 का उपयोग करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन को आराम से शुरू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपेंड DSL दोस्तों डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। DSL का पूर्ण रूप है तो दोस्तों डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, MS Excel इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डाटाबेस। MS Excel क्या है? तो दोस्तों डाटाबेस का एक उदाहरण है। दोस्तों MS Excel एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस का कार्य करता है, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ यू आर यूजिंग ब्लूटूथ ऑन योर कंप्यूटर यू आर यूजिंग विच टाइप ऑफ द नेटवर्क? तो दोस्तों पेन। यदि आप अपने कंप्यूटर पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं? दोस्तों पेन। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द डोमेन कोड .mil लाइकली टू बी यूज्ड बाय मिलिट्री। डोमेन कोड .mil का किसके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेन स्टैंड फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों मेल का पूर्ण रूप मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी यूज ऑफ फायरवॉल्स इज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल्स का प्राथमिक उपयोग अनाधिकृत पहुंच की रोक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द ओल्ड वन आउट दोस्तों मोबाइल गेटवे। निम्न में विषम की पहचान करें तो मोबाइल गेटवे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज फ्रॉम अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट ईयर ऑफ डेवलपमेंट फोरट्रान कोबोल
पास्कल, जावा। तो दोस्तों फोरट्रान, कोबोल, पास्कल, जावा, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के काल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, पुरातन पहले, आधुनिक अंत में। तो दोस्तों सबसे पुरानी लैंग्वेज है फोरट्रान, उसके बाद आई कोबोल, उसके बाद पास्कल आई, उसके बाद जावाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्रीम वीवर, फ्लैश एंड प्रीमियर आर एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। ड्रीम वीवर, फ्लैश और प्रीमियर किसके उदाहरण है? तो दोस्तों मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU एंड RAM। कैश मेमोरी कहाँ कार्य करती है दोस्तों? CPU और RAM के बीच। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।